नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सबका हिंदवाइज चैनल में। आज यहां पे बात करने के लिए कि बंगाल में इस तरह से हिंसा भड़क रही है, हर चरण चुनाव के चरण में वहां पे हिंसा का स्तर जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाल ही दिनों में देखा गया कि अमित शाह की जी की रैली थी और उनकी रैली में गुंडागर्दी हुई, लोगों को पीटा गया और तरह तरह की हिंसाएं हुई। वहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर जी की जो वहाँ के लोग जिसको भगवान का प्रतीक मानते हैं उनकी मूर्ति को ध्वस्त किया गया, कि इनके द्वारा मूर्ति को ध्वस्त किया गया इसका कोई भी पता नहीं लग पाया है। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस बीजेपी के द्वारा कराया गया है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के लोगों के द्वारा इसको मूर्ति को ध्वस्त करा के इस पर राजनीति की जा रही है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में। हमारे साथ एनडीए का पक्ष रखने के लिए धनोज जी यहाँ पर हैं और यहाँ पे संजीव जी हैं और यूपीए का पक्ष रखने के लिए मोहित जी हैं, पिंटू जी हैं और ताजुब जी हैं यहाँ पे। तो इन सभी लोगों से यहाँ पे बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो धनुज जी, सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह से ये हिंसा लगातार स्तर इसका बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो आखिर इसका कारण क्या है और ये लोकतंत्र के लिए कितना नुकसानदायक होने वाला है? ये देखिए, मैं अलग हट के बात बताना चाहूँगा। जब इलेक्शन कमीशन प्रॉमिस करता है भारत के लोगों से कि आपको वोट देना, 7 चरणों में चुनाव की बात हुई, तो उससे पहले तैयारी हो गई थी कि बिना हिंसा के चुनाव होगा। तो मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उनसे कमी हुई है और जो जितने भी फोर्स गए थे उनको कम से कम पावर देना चाहिए था कि जो अहिंसक लोग हैं, अहिंसक लोग उनके ऊपर आप फ्री होकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है शिवम कि ये 6ठे चरण, अब ये 7वें चरण की बात है, 6ठे चरण में हिंसा हुई, पहले चरण में भी हुई, 2nd चरण में भी हुई, 6ठे और 7वें चरण नहीं, और लगातार हो रही है और बढ़ती हुई चली जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ, बढ़ रही है। मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि ये जो हिंसा है तो ये रोकने में चुनाव आयोग जो है नाकामयाब रहे। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, मैं एनडीए का पक्ष रखता तो ये नहीं, केंद्र सरकार और एनडीए गवर्नमेंट और वहाँ की बंगाल सरकार, वहाँ की जो पुलिस तंत्र है दोनों फेल हुए इसमें, दोनों कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि हिंसा करने का अगर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा, मैं आरोप लगा रहा हूँ टीएमसी में, टीएमसी लगा रहा हमारे ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं और एनडीए वाले पहले से इशारा कर रहे थे कि वहाँ कुछ ऐसे लोग आ रखे हैं जिनका कि कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी दुख की बात है कि ऐसे लोग जो आज जो किया है। और आपने एक बात बोला कि जिसको भगवान मानते उसकी मूर्ति तोड़ दी, जो लोग मूर्ति भगवान के जैसा स्वरूप का भी मूर्ति तोड़ रहा है तो वो तो इंसान हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान से लड़ने वाले लोग हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, चाहे वो हिंदू के होली ग्रंथ में हो या मुस्लिम के हो, क्रिश्चियन के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, वो राक्षस, दैत और अभद्र लोग। तो ऐसे लोगों का जगह जो है जेल में होनी चाहिए। और मोहित जी आप बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर अगर टीचर चाहे तो सभी बच्चों को चुप करा सकती है, पर अगर टीचर ने शोर मचाने के लिए कह दिया तो बच्चे शोर मचाएंगे, और अगर प्रिंसिपल क्लास में आके कहता है सब बच्चे चुप हो जाओ तो टीचर सहित सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ममता बनर्जी सिर्फ टीचर हैं और जो प्रिंसिपल है, जो मास्टरमाइंड है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष की गलती है। जो हिंसा होती है, खाली एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके अंडर में सारी पुलिस फोर्स आती है, CRPF आती है, CISF आती है, सारी पुलिस फोर्स जो भी है वो उन्हीं के अंडर आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था इसके ऊपर कि क्या कहते हैं, जब आपको पता है कि इलेक्शन है पश्चिम बंगाल के अंदर और इससे पहले भी वहाँ पर हिंसा हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी का भी तुरंत सवाल का जवाब दे दिया, बंगाल में हिंसा हुई तो उसको लेकर भी अमित शाह ने बोल दिया कि अगर CISF नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। आप अपने गढ़ की बात कब करेंगे? घर में नहीं, एक मिनट, घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा भुनाने को, वो वाला हिसाब है। आप पहले अपने घर को तो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में, उनके घर के अंदर, गुजरात के अंदर एक दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। कितनी शर्म की बात है भारत देश के लिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी यहाँ पर आज भी दलित को लेकर, जात पात को लेकर इतना भेदभाव हो रहा है। और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या, किसी भी नेता ने कोई शब्द नहीं कहा और ना उसको मीडिया में इतना दिखाया गया। आप एक बात बताइए कि उस दलित की बारात में पुलिस साथ में जा रही है, और अगर वो घोड़ी पर चढ़ता है तो सरपंच कहता है कि जो बारात में जाएगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे मार भी दिया जाएगा। मतलब यहाँ जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। बंगाल की हिंसा को तो देख रहे हैं, पहले आप अपने घर को तो देखिए। संजीव जी, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है,
खास करके ये मोहित जी और इन्होंने जो कहा अभी धनोज जी ने, उन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो भाई अपने अपने पक्ष रखने के लिए दोनों जो हैं दोनों ही बेताब हैं, यूपीए वाले और एनडीए में। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए निष्पक्ष रूप से मैं बोल भी जाऊं तो कौन मानेगा मेरी बातों को? मेरी बातों को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से दिख रहा है अहिंसा बराबर होते आ रहा है। पहले चरण से ही शुरू हुआ अहिंसा और अब तक हो रहा ना, इससे पहले भी हुआ, जो कि वहाँ के जो लोकल जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी लोगों को मारा गया, जान से मारा गया, दो को मार के और पेड़ पे लटका दिया गया। वो अहिंसा नहीं है, इनको सिर्फ घोड़ी पे जो चढ़ना है वो दिखता है अहिंसा, जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया वो इनको अहिंसा दिखता है। लेकिन किसी को मार दिया गया, जान से मार दिया गया, 11 तारीख को दो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया और उससे वो नहीं दिखी इनको। वो दिख जाता तो शायद ये छोटी सी बात जो कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ा या क्यों नहीं चढ़ा वो नहीं दिखा इनको। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए घोड़ी पे ना चढ़ने देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को कत्ल कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक छोटी सी, एक मिनट, पहले पूरी होने दीजिए, क्योंकि मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मुझे बिठा दिया गया है, आज पहली बार मैं बैठा हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे थोड़ा सा बोलने दो। क्योंकि अब ये मोतीनगर में जो है एक घटना हो गई, किसी को मतलब क्या कहते हैं, बाप को मार दिया, अगर बेटा भी आईसीयू में है, लेकिन उसकी चर्चा अभी कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई मीडिया कर रही है और ना कोई जनता कर रही है। क्या इसके पीछे क्या यूपीए का हाथ है? नहीं, यूपीए का हाथ नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष का हाथ है। मैं खुद उस बातों को कहूँगा, लेकिन फिर भी ये चर्चा होनी चाहिए। इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जो कि ये मान लो केजरीवाल की फेलियर है या दिल्ली पुलिस की फेलियर है या सेंट्रल की फेलियर है, लेकिन इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही किसी टीवी पे? नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर ये ममता बनर्जी की बात ले लो, क्योंकि अभी जो पोजीशन चल रहा है शिवम जी, वो चर्चा यही है सिर्फ कि आप ममता जी जो कर रही हैं क्या वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मेरे हिसाब से, और बिल्कुल ही लगना चाहिए, जिससे कि जो ये 19 तारीख को चुनाव हो रहा है निष्पक्ष रूप से हो सके। नहीं तो क्या भरोसा कि ममता जी किसी को वोट डालने भी देने जा देंगी? नहीं देने देंगी वो। देखिए, मुझे एक मशहूर शेर याद आ गया, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी मोहित को भी मैंने सुनाई है, बात है हिंसा का विरोध होना। मैंने कल कहा था एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पर कि हम सब यहाँ भारतीय हैं और भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि हिंसा को हटा के हम लोग ने इस देश पर कब्जा किया। कैसे? अंग्रेज जो थे वो हिंसा ही करते थे। तो मेरा एक मशहूर शेर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कि कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती खेतों को, इल्ज़ाम चिड़ियों पर लगाया जाता है, जब फेलियर हो जाता है। देखिए क्या होता, अभी जो है भागम भाग हो रहा है, वो कुर्सी है एक प्रधानमंत्री की। अभी मेरे छोटे भाई मोहित ने कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं दिखता, लेकिन मैं अपने छोटे भाई मोहित को बताना चाहूँगा कि अभी सरकार जो निरस्त है, निरस्त मतलब क्योंकि अभी चुनाव आयोग के हाथ में पावर है, अभी जितनी भी देश की सेना है ना उसका वो प्रयोग सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। चुनाव का जब गठन हुआ, जब उनको कहा गया स्वतंत्र है, हमारी एजेंसी स्वतंत्र है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, अब चुनाव आयोग को देखना है कि क्या करना। लेकिन बैलेंस भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मत जो है गिरना चाहिए, मत पड़ना चाहिए, वोट लगनी चाहिए। अब देखिए हिंसा क्या है शिवम, हिंसा चाहे बीजेपी कर रहा हो, चाहे मेरी पार्टी कर रहा हो, चाहे टीएमसी कर रहा हो, मैं घोर निंदा करता हूँ जी। यही सवाल है मेरा कि मतलब ऐसी क्या वहाँ पे बातें आ गई हैं, ऐसी मतलब इतना नफरत एक दूसरे के प्रति, ये इतनी कैसे बढ़ गई वहाँ पे? यही इसका तो क्या कारण है? तुष्टीकरण की राजनीति है। एक वर्ग जो है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए मेरे लिए तो है ना जात के लिए, ना पात के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के लिए। मेरी मजबूरी है कि मैं एक शायर भी हूँ, तो मेरे लिए तो सभी बराबर है। पहले तो मैं इनकी बात को कंडेम करना चाहूँगा और इनकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। बात ये नहीं है कि उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बात ये है कि वो दलित है और उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। और ये गुजरात में कोई पहली घटना नहीं है, गुजरात में इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, और दलित परिवार को लेकर इतनी ज़्यादा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में ये बात हो रही है, मैं उस बात को लेकर कहना चाहूँगा। और आप फिर कहेंगे क्या कहते हैं कि मुजफ्फरनगर कोई दंगे ही नहीं है? अगर आप बात कहेंगे, आप तो कहेंगे कि गुजरात में जो दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने जा रही, तो अगर दलित परिवार के लड़के को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा और उसका पिता कह रहा है कि हमें शादी में पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही है, आप एक बात बताइए। मैं इनकी भी निंदा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला हां जी बिल्कुल, पर कि आप शादी में ढोल पीट रहे हो और हमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे रहे हो, बिल्कुल, और उसी बात को मेरे बड़े भाई गलत कह रहे हैं। तो एक बात मैं बताता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समान धर्म समान मत
और समान अधिकार प्राप्त हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक विशेष वर्ग को अधिकार लेने से रोकेगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर की बात हो चाहे फिर बंगाल के ममता बनर्जी की। बंगाल में 19 तारीख को इलेक्शन है, आज बंगाल की जो जनता है इतनी परेशान है, जो जो दिन में 500 रुपये जो 500 रुपये कमाती है ना सर, उसको आज कुचला जा रहा है सिर्फ किसने, दो पार्टियों के चक्कर में। क्यों, अभी आपने मैंने न्यूज़ में देखा था कि ये जो बीजेपी वाले जो बीजेपी वाले बाहर से गुंडों बुला के ये जो वहाँ की पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं, 2000 अभी तो 19 तारीख को आप देखना वहाँ पे एक कुछ नहीं होगा, जब 23 तारीख के बाद वहाँ पे आप दिखा दो, बिल्कुल सारा वहाँ पे पब्लिक को परेशान करा जा रहा है। ये परेशान जो लोग कर रहे हैं लोग कौन है? ये बीजेपी वाले ये बाहर से गुंडे बुला रखे हैं, और आपने देखा वो न्यूज़ भी, आपने मीडिया भी दिखा रहे थे, इनका टोपी लगा के ये लठ से और ये आग सब कुछ परेशान वही कर रहे हैं सारे। ये धनु जी देखिए, पिंटू भाई कह रहे हैं कि जो वहाँ पे हिंसा भड़की हुई है इसको बीजेपी वाले बाहर से गुंडे बुलवा रहे हैं, इनका ये कहना है, ये इस पे आप क्या? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बंगाल की यहाँ दूरी जो है 1500-1600 किलोमीटर दूर है, जो लोग यहाँ से बीजेपी के लोग हैं वो प्रचार करने गए हैं, जब कोई बाहरी जाता है तो वहाँ लड़ने थोड़े जाता, वो आतंकवादी थोड़े ना, मान के चलिए। मैं इस बात को, मैं पिंटू भाई का बात का जवाब ऐसे नहीं देना चाहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि रोड शो था, आप हो जाने देते, अगर आप जीत रहे हो बंगाल में आपकी सारी सीटें आ रही है तो आपको अमित शाह से क्या घबराना, आप रोड शो हो जाने देते, आप अपने कार्यकर्ता को वहाँ, अगर आपका कार्यकर्ता रोका, देखिए हम दो भाई आपस में थोड़े लड़ लेंगे, कोई तीसरा आएगा तभी तो लड़ेंगे ना, ऐसा ही हुआ, सबको पता, पूरा देश को पता, पूरा मुल्क को पता है कि वहाँ जो हुआ किसने करवाया, लेकिन सवाल होता है कि निष्पक्ष जाँच हो और जो भी उसमें है उसको तत्काल अविलंब अरेस्ट किया जाए। अब मैं चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूँ कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और जो वोट हो निष्पक्ष हो। मुकड़ जाते हैं वादों से सरापत छोड़ देते हैं, मुकड़ जाते हैं वादों से सरापत छोड़ देते हैं, सियासी लोग जनता की उम्मीदें तोड़ देते हैं, चुनाव की कहानी में गजब का मोड़ देने वो, चुनाव की कहानी में गजब का मोड़ देने वो, जहन में लोगों के सौ सौ सागूफे छोड़ देते हैं, हमारे वोटों के खातिर हमारे मुल्क के लीडर, हमारे वोटों के खातिर हमारे मुल्क के लीडर फसादों से सियासत का रिश्ता तोड़ देते हैं। अब मैं सर ने अभी आपको एक बात बताई थी कि अमित शाह जी की रैली के बारे में बहुत बात कर रहे थे, ये अमित शाह जी के मैंने एक प्रोग्राम दिल्ली का देखा था वहाँ की रैली से पहले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो अमित शाह जी जो अपना प्रोग्राम कर रहे थे उस प्रोग्राम के अंदर जो नारे लगा रहे थे वो धर्म को लेकर नारे लगा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है कि आप धर्म को क्यों लेकर आ रहे हैं, उसमें नारे क्यों लगा रहे हैं, आप ये बताइए सर, आप भड़काइए मत जय श्री राम कहकर, आप ही हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत हिंदू हैं, ये भड़काने वाली बात आपने यहाँ कही, उसके बाद में आपने रैली करी, जबकि आप धर्म को चुनावी आचार संहिता में लेकर नहीं आ सकते। और एक चीज़, अगर आपने अच्छे काम किए हैं आप बताइए कि हमने ये अच्छे काम किए हैं, हम ये अच्छे काम और करेंगे, आप बताइए, हमने नोटबंदी की जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उससे काला धन इतना वापसी आया, आप बताइए जी। मैं क्या कहूँ, लोगों तो जय श्री राम बोलने को भी आचार संहिता का उल्लंघन मानते हैं, क्योंकि अगर कोई यानी तो फिर तो जितने भी जगह है सारे जगह से मस्जिदों से अजान देना भी बंद होना चाहिए, ये भी है, फिर तो अगर जय श्री राम बोलना उल्लंघन है तो आचार संहिता का उल्लंघन तो वो भी है। चुनावी रोड शो होता है सर, तो उसमें क्या वो हो सकता है, किसी की आस्था के लिए लेकर हमने आज तक किसी से नहीं कहा, लेकिन 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 ये जो है नहीं, जहाँ भी होती है अगर कोई अपने आप को बोलता है तो जय श्री राम बोलना जो है कहीं भी खराब नहीं है, मैं तभी बोलूंगा जय श्री राम, मैं अभी भी बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा, मैं तो अगर कोई भी पूछे तो मैं कहूंगा अगर मैं हिंदू हूं तो मैं जय श्री राम बोलना मेरे लिए कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक चीज है, मैं जो कहूंगा एक छोटा सा, जो कि क्योंकि अभी जो दुखद घटना जो हमारा, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, जो मोतीनगर में हुआ है उसके पीछे किसका हाथ, कौन है उसके पीछे,
या फिर जो बंगाल में जो अहिंसा घटना हुई है उसके पीछे किसे? मैं भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं जय श्री राम बोलना गलत नहीं कह रहा, ये ऐसा है चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता के अंदर चुनावी रैली के अंदर या चुनावी प्रचार कर रहे हो आप, उसके अंदर जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते भाई साहब, संविधान में है। आपत्ति इस बात पे नहीं कि कौन ईश्वर का नाम ले रहा कौन अल्लाह का नाम ले रहा, आपत्ति इस पे है क्योंकि ममता बनर्जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री देख रही है, उनके भी सपने बड़े हैं, जब सपने बड़े देख लेते हैं तो वहाँ पर टकराहट होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और पूरा देश इसको देखेगा, तो मैं कहना चाहूँगा एक बात कि यह जो देश है ये महात्मा गांधी का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, ये जो है अल्लाह अकबर बोलने वाले देश है यहाँ पर, और सबने लड़ाई लड़ा था स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बन के हुए। देखिए जब अंग्रेज आए तो उसने भी शोषण किया, जब तुर्क आए, मतलब जो भी, मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि आपका बहुत टाइम हो जाएगा, मैं इशारा कर रहा हूँ, सबने हिंदुस्तानियों का खून चूसा, आज जो भी है सब हिंदुस्तानी एक दूसरे पर राज कर रहे हैं, चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो बनेंगे तो जनता के वोट से। सवाल होता है कि जिस स्टेट में अगर कोई वोट डालने से वंचित है तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ का जो पुनः मतदान होना चाहिए, और हिंसा जो है किसी भी रूप में, किसी भी रूप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे वो हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, वो मान नहीं है, बाद नहीं है, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और उसमें जो भी संलिप्त है उसका जगह जेल है। और मैं चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अभी के वर्तमान में आपके पास बहुत पावर है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव के हाथ में पूरी शक्ति आती, संप्रभुता आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को पूरी पावर है कि वो दोनों दलों को शिकंजा कसे। देखिए इस लोकतंत्र में जो हिंसा हुई इनकी तो मैं निंदा करता हूँ, वहाँ जो बंगाल में ममता बनर्जी हैं उनको इस पे बातचीत के जरिए वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखें, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री एक हिंसा के बाद वो ये ना कहें कि हम बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के नाते में जा रहा हूँ वहाँ पर रैली करूँगा। हिंसा होने के बाद जो भी प्रतिनिधि हैं चाहे पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी लें कि हमारे क्षेत्र में प्रशासन घटना घटने के बाद आती है, लेकिन जो ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होता है उनको सब पता है कि कौन कैसा व्यक्ति है, अगर कोई उपद्रव मचाने वाला है तो उनको पहले पुलिस को सूचित करें। अगर बंगाल में इस माध्यम के प्रतिनिधि के माध्यम से अगर शांति होता है पूरे देश में शांति होगा, कश्मीर में भी शांति होगा। प्रशासन के ऊपर तो एक वो लगाते हैं कि वो केंद्र की सरकार ने सीबीआई सुन रही है ना, ये दिल्ली बंगाल की पुलिस सुन रही है, तो बहाना है, लेकिन जो वर्तमान में प्रतिनिधि, चाहे दो सीट हैं बंगाल में बीजेपी के तो संसद महोदय दो सीट, उनको भी जिम्मेदारी होती है। तो ये थी हमारी खास बातचीत बंगाल के मुद्दों के लेकर, वहाँ पर हिंसा किस उसका हिंसा का कारण क्या था। यहाँ से हमें अपने सभी मेहमानों से हमने बातचीत की, और आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन वसीम खान के साथ मैं सियोम चतुर्वेदी।